हम सबके फेवरेट खान सर कहते हैं कि अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। क्या बात कही है सर ने। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता। जो चीज आप फेल होके सीखते हो वो सक्सेस होने पे कभी भी नहीं सीख पाते हो। फेलियर आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। यदि किसी भी चीज में बिना फेल हुए आपको सक्सेस मिल गई तो वो सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आने से भी वो सक्सेस आपके हाथ से फिसल जाएगी और आपने कुछ सीखा नहीं डायरेक्ट सक्सेस होने के कारण, तो दोबारा से सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। फेल होना सक्सेस होने का एक पार्ट है। हर सफल इंसान बड़ी सक्सेस पाने के पहले फेल जरूर होता है, बट वो फेलियर से सीख के आगे बढ़ता रहता है और एक दिन सक्सेस पा लेता है। आप लोगों ने ये लाइनें जरूर सुनी होगी, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पेशेंस के साथ जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, चाहे आपको उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, बट आपको करते रहना है। लगातार काम करने से आप उस फील्ड में स्ट्रांग बनते जाते हैं। पेशेंस बहुत ही जरूरी है। पेशेंस पे कुछ लाइनें कही जाती है, जरा उसको सुनिएगा। धीरे धीरे रे मन है, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहने का मतलब है कि आपको आपके मन में पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि कोई माली किसी पेड़ की 100 घड़े से भी सिंचाई कर दे तब भी उस पे फल नहीं आने वाला है, उस पे फल ऋतु आने पर ही आएगा। तो आपको आपका ऋतु आने तक पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी लाइफ में।